नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड के बारे में बताऊंगा। BSNL काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अपने 4G सर्विस को धीरे धीरे रोल आउट कर रहा है। अभी तक ऑफिशियली BSNL कंपनी की तरफ से अपने ऑफिशियल 4G लॉन्च के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन रीजियोनल बेसिस पर BSNL बहुत सारे जगह के अंदर अपने 4G सर्विसेज को लॉन्च करते ही जा रहे हैं। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि पंजाब के अंदर BSNL अपने 200 मोबाइल टावर्स को 4G पर अपग्रेड किया था। उसके बाद तमिलनाडु के कुछ डिस्ट्रिक्ट है जैसे एडोरे बिजनेस एरिया, उसी के साथ त्रिनेवली के अंदर अपने 4G सर्विसेज को लॉन्च किया, क्योंकि साउथ इंडिया जो है वो BSNL का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। साउथ इंडिया के अंदर BSNL सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करते हैं और इसी कारण से साउथ इंडिया को छोड़ना नहीं चाहते। तो फाइनली BSNL कंपनी की तरफ से साउथ इंडिया के अंदर और एक जगह के अंदर अपने 4G सर्विस को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपके चैनल टेक्सकैन पर चल रहा है एक मेगा गिवअवे जहां पर आपको मिलने वाला है एक ब्रांड न्यू iPhone 13। किस तरीके से iPhone 13 जीतना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन पर पहला लिंक आपको गिवअवे वाला वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखो, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करो और आपको मिल सकता है एक ब्रांड न्यू iPhone 13। चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, साउथ इंडिया का एक सबसे प्रोमिनेंट सर्किल BSNL के लिए है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के काफी सारे ऐसे शहर है जहां पर से BSNL का सबसे हाई रेवेन्यू यहां पर आते हैं, और BSNL सबसे पहले 4G सर्विस यही जगह के अंदर लॉन्च करेंगे, यह हमें पता ही था। 4G सर्विसेज के साथ साथ BSNL जो मॉडेम्स या जो इक्विपमेंट्स यहाँ पर बैठा रहा है, एक सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से वो 5G के ऊपर भी अपडेट कर सकते हैं, और ये पूरे तरीके से इक्विपमेंट्स को बैठा है TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तेजस नेटवर्क, ITI मिलकर। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं जगह के नाम बताऊँ तो उसका नाम है टूटुकुडी। तो ये जगह जो है वो तमिलनाडु के अंदर है, और टूटुकुडी जगह के अंदर BSNL अपने 4G सर्विसेज को लॉन्च कर दिया है। मतलब टूटुकुडी एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के अंदर, तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर टोटल 10 मेगाहर्ट्ज यूनिट स्पेक्ट्रम को BSNL कंपनी की तरफ से यूटिलाइज किया गया है, और अपने एग्जिस्टिंग 222 2G 3G मोबाइल टावर्स को 4G पर अपग्रेड किया गया है BSNL कंपनी की तरफ से, और ये भी बताया गया है नया 24 मोबाइल टावर्स यहाँ पर बैठा जाएगा ताकि लोगों को बेटर कवरेज यहाँ पर मिल पाए। टावर टू टावर कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर की मदद से हो रहा है, मतलब जो ब्लैक होल सिस्टम है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और BSNL आने वाले टाइम के अंदर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से अपने 4G सर्विसेज को 5G पर भी अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पर जो भी लोग BSNL के सिम कार्ड को यूज करते हैं उनको बाई SMS ये बताया जा रहा है कि वो अगर 2G 3G सिम कार्ड यूज कर रहे हैं तो उसे इमीडिएटली जाकर 4G पर अपग्रेड कर ले। सिम कार्ड 4G पर अपग्रेड करना काफी ज्यादा ईजी है, सिंपली आपके नजदीकी दुकान पर जाकर आप उन्हें कह सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना होगा कि आपका जो सिम कार्ड है 2G 3G सिम कार्ड है उसे 4G पर स्वैप कर दिया जाए, तो वो कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके सिम कार्ड के ऊपर जो भी प्लान डाला हुआ है वो नया सिम कार्ड के ऊपर भी चले आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20 से 50 रुपए का खर्च यहाँ पर हो जाएंगे, तो ये आप कर लेना, उसके बाद BSNL 4G जो है वो आराम से यूज़ कर सकते हैं। और जब 5G लॉन्च होंगे तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 5G सिम कार्ड अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, वही 4G सिम कार्ड 5G सर्विस जो वो चले जाएंगे। BSNL धीरे धीरे अपने 4G सर्विसेज को यहाँ पर लॉन्च कर रहा है, और अभी के टाइम तक जो लॉन्च हो रहा है ये मेनली फील्ड ट्रायल्स के बेसिस लॉन्च हो रहा है, मतलब ऑफिशियल अपडेट अभी तक BSNL कंपनी की तरफ से निकल के नहीं आया। जब ऑफिशियल अपडेट आ जाएंगे तो हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से कहा गया है हर दिन 200 मोबाइल टावर्स को 4G पर अपग्रेड किया जाएगा जब ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर आ जाएंगे, जब ऑफिशियल लॉन्च यहाँ पर हो जाएंगे। अभी ट्रायल बेसिस चल रहा है, और भारत के जो जो जगह के अंदर सबसे बढ़िया रेवेन्यू BSNL को मिलते हैं वो सारे जगह के अंदर BSNL फर्स्ट टाइम अपने 4G सर्विसेज को लॉन्च कर रहा है एज ए ट्रायल पर्पस, ताकि वहां पर जो लोग रहते हैं उन्हें सबसे बेटर सर्विस यहाँ पर मिल पाए। BSNL की तरफ से ये प्लान किया गया है 2023 के इस साल तक, मतलब अभी जो महीना चल रहा है वो जून महीना चल रहा है, दिसंबर महीने तक भारत के मैक्सिमम सिटी और टाउन के अंदर अपने 4G सर्विसेज को लॉन्च कर दे। उसी के साथ साथ BSNL का ये भी टारगेट है रूरल कवरेज काफी जबरदस्त तरीके से हो। प्राइवेट कंपनी मिली रूरल एरिया के अंदर उतना ध्यान नहीं देते, हालांकि आज के टाइम के अंदर सिनेरियो थोड़ा बदल चुका है, लेकिन BSNL का पहले से ही टारगेट है कि रूरल डेवलपमेंट करना, और इसके लिए जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का मनी है वो भी BSNL यहां पर यूटिलाइज कर रहा है अपने 4G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए। उसी के साथ कुछ बॉर्डर एरिया के अंदर भी BSNL अपने 4G सर्विसेज को दे रहा है, क्योंकि BSNL को पता है कि वो सारे जगह काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और वहां पर डेटा लीकेज का चांस सबसे ज्यादा होते हैं, और इसी कारण से पूरे तरीके से इंडिजिनियस वे से बनाया हुआ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की मदद से BSNL जो अपने 4G सर्विसेज को लॉन्च किया है वो मेरे बॉर्डर एरिया के अंदर भी डिप्लॉय कर रहा है। गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंटली 89,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम BSNL को एलोकेट किया गया था, जो काफी बड़ा अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रम है जिसके लिए BSNL आने वाले टाइम के अंदर अपने 4G और 5G सर्विसेज को स्मूथली चला सकते हैं, और ये बताया गया 2027 फाइनेंशियल ईयर तक BSNL एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएंगे। अभी देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर BSNL किस तरीके का परफॉर्मेंस यहां पर करते हैं। यही सारा अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको
बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे उससे मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।